हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड ब्लिंग। मैं हूँ श्वेता। सो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं वेयर करने वाली हूँ लेंसेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ एक्चुअली। वैसे तो जो कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर करना वो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर कोई कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनता है। तो मैंने सोचा है कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे इससे पहले मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं आई ड्रॉप डालने में ही इतना ज़्यादा डर जाती हूँ। तो ये तो दूसरी आँख थी, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे अब वेयर करूंगी। मैंने अपनी शादी पे भी इसे वेयर नहीं किया था बिकॉज मुझे बहुत डर लग रहा था, एंड मैं थोड़ा ये भी चाहती थी कि मेरी जो पिक्चर्स हों वो नेचुरल हो, क्योंकि लेंसेज लगाने के बाद आपके लुक्स टोटली चेंज हो जाते हैं। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को नोटिस किया है। तो अगर आप एक बिगनर हैं मेरी तरह और लेंसेज को वेयर करने के लिए सोच रही हैं या लेंसेज परचेस करने के लिए सोच रही हैं, आप सोच रही हो मैं कैसे लेंसेज लूँ, किस तरीके के लूँ और कैसा सोल्यूशन लेना चाहिए, अफोर्डेबल रेंज में होना चाहिए या आप हाई रेंज में लेना चाहते हैं, जो भी, सो मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल दूंगी। सो वीडियो को पूरा दिखेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन से लेंसेज ऑर्डर किए। ठीक है, सो मैं आज यूज करने वाली हूँ एक्वा लेंसेज के लेंस। सो इसके अंदर आपको पावर लेंसेज भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरा कोई पावर वाला नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही ऑर्डर किया है सिंपल। ठीक है, एंड ये जो लेंसेज है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक लिंक देखी थी, उसमें क्लिक किया मैंने, तो ये एक्वा लेंसेज की वेबसाइट ओपन होके आ गई थी, तो मैंने वहां से इसे ऑर्डर किया था। सो सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेंसेज को लेने से पहले, मेरे मन में भी बहुत सारे से थे कि मैं वन डे का लूँ या मैं वन मंथ का ट्राई करूँ, बिकॉज वहाँ पे जब मैंने लिंक पे क्लिक किया था ना, तो वहाँ पे एक शो हो रहा था 99 रुपीज का वन डे का ट्रायल पैक एंड 199 रुपीज का वन मंथ का ट्रायल पैक। ठीक है, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वेयर करने वाली थी, एंड मैं सोच रही थी अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं रिग्रेट करूंगी कि मैंने वन मंथ का क्यों नहीं लिया। तो मैंने वन डे ब्रेक लिया एंड मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, देन मैं अपने लिए कलर भी डिसाइड किया कि मैं कौन सा कलर लेना चाहूंगी, इसलिए तो उसके बाद मैंने इसे परचेस कर लिया। सो ये मैंने एक्वा लेंसेज परचेस की है, एंड जो मेरा शेड है वो है आईसी ब्लू। इससे पहले मैं ग्रे लेंसेज लेना चाह रही थी, बट मैंने सोचा कि पहले ब्लू ट्राई कर लेते हैं फिर उसके बाद ले लेंगे। और ये जो मेरे लेंसेज हैं ना, ये है वन मंथ के लिए, तो वन मंथ वाले मैंने परचेस किए बिकॉज 199 एंड 99 सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस था और मुझे बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो। सो मैंने सिर्फ अपने लेंसेज ऑर्डर करे थे वहाँ से वन मंथ के, क्योंकि ये 199 रुपीज़ के थे। देन मैंने अमेजोन से सोल्यूशन ऑर्डर किया था, ये था सोल्यूशन उसका एक्वा लेंसेज का सेम, एंड ये मुझे वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल गया था, 60 ml का ये प्रोडक्ट है और मुझे मिला है 117 रुपीज़ का। ठीक है, विद डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि मैंने डिलीवरी चार्जेस नहीं दिए हैं क्योंकि मैंने 500 का कुछ सामान मंगा लिया था, तो उसके साथ मुझे ये आ गया था, तो 117 रुपये का ही पड़ा। सो ये सॉल्यूशन है, एंड सॉल्यूशन के साथ मुझे इसके साथ ना एक केस भी मिला है। सो ये लेंसेज का केस है, इसमें वन साइड R लिखा है, वन साइड L लिखा है, सो लेफ्ट राइट का है ये। सो मैं इन लेंसेज को यूज़ करने के बाद इसे इसके अंदर इसे रख सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ वन मंथ के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल लगा, इसलिए मैंने इसे अमेजोन से ख़रीदा है। वैसे एक्वा लेंसेज के जो लेंसेज है वो अमेजोन पे भी मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं इसे। सो इसके अंदर लिखा था 2 लेंस का पैक। ठीक है, तो पहले मैं कंफ्यूज की 2 लेंस कैसे हैं, बट मुझे एक्वा लेंसेज से कॉल आया था क्योंकि मैंने उनकी वेबसाइट पे क्लिक किया था, तो उनके पास जो भी नोटिफिकेशन जाता हो कि उनकी उनका किसी ने सर्च किया है, तो मुझे वहाँ से कॉल आया, एंड मेरी जो भी क्वेरी थी इससे रिलेटेड, लेंसेज से रिलेटेड, कि कैसे है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या है इसका वर्क है, ठीक है, इरिटेशन तो नहीं होगा, लाइक मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा इसमें जलन होती है अप्लाई करने के बाद, वेयर करने के बाद, तो वो सब तो नहीं होगी, तो उन्होंने मेरे सारे जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया, मेरी हेल्प करी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। सो मैंने इसे परचेस कर लिया। इसके साथ उन्होंने मुझे ये वाला भी हेल्प किया कि आप वन डे का ना लेके आप वन मंथ का पैक ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो मैंने उनसे सॉल्यूशन के प्राइस पूछे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप 499 रुपीज़ का लेती है ना, तो आपको लेंसेस विथ सॉल्यूशन मिलेगा एंड उसके अंदर आपको एक केस भी मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैंने वहाँ से इसे परचेज नहीं किया। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डायरेक्टली वेबसाइट से खरीदना चाहते हो या अमेजोन से। ठीक है, सो मैंने दोनों जगह से इसे परचेज कर लिया। अगर मुझे ये पसंद आया तो मैं फिर से एक्वा लेंसेज की वेबसाइट
से जाके इसे परचेस करूंगी। अगर वो मुझे सेम लिंक मिल जाती है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करके भी एक्वा लेंसेज के लेंसेज ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगे क्योंकि वहां से आपको डायरेक्टली कॉल आ जाएगा एक्वा लेंसेज की तरफ से एंड आप अपने लेंसेज को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेंसेज वेयर करने का सबसे पहला स्टेप है अपने हाथों को क्लीन कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। आप अपनी आंखों पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं इससे कोई इरिटेशन ना हो जाए। लेंसेज वेयर करने से पहले आपको कोई भी मेकअप नहीं करना है, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, कोई क्रीम वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करी है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करी है एंड कुछ भी अप्लाई नहीं किया। अब मैं चलो ओपन करते हैं। अच्छा, इन लेंसेज के साथ ना कोई भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये लेफ्ट का है या राइट का है, आप किसी भी आंख में से यूज कर सकते हो। मुझे तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा। सो अब मैं जल्दी से इसे ओपन कर लूंगी और आप देख सकते हो इसके अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशन है एंड उसमें लेंस है। मैं लेंस को निकाल लूंगी बाहर एंड देन मैं एक बार इसे बस ऐसे ही रख के देख रही हूँ कि कैसे इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो मैं अपनी फिंगर पे रख रही थी बट ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था फर्स्ट टाइम। अगर आपने भी अगर लेंस को देखा होगा या देखोगे तो आप समझ जाओगे ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, तो बहुत ध्यान देना। मैंने बस एक बार ऐसे लगा के देखा कि मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, ये मेरा सही तरीका है कि नहीं। देन मैं इसे फिंगर पे रखूंगी और आपको देखना है ये चारों तरफ से सर्कल में होना चाहिए। ठीक है, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर मुड़ा हुआ होगा ना तो ये बिल्कुल भी आपकी आईज़ पे सही से नहीं बैठेगा। तो मैंने अपनी आईज़ को नीचे से स्ट्रेच किया एंड मैं इसे लगाने की कोशिश करी हूँ बट ये हो नहीं रहा था क्योंकि पहली बार लगाओ ना तो नहीं होता है। आप देख सकते हो मैं कैसा मुँह बना रही हूँ, देख, क्योंकि मुझे इतना डर भी लग रहा था, मैं इतनी अंदर से डरी हुई थी कि मैं क्या करूं, पर वीडियो भी बनाना था, फैशन भी करना है, सब कुछ करना है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने अपनी आईज़ को ऊपर से स्ट्रेच किया एंड ये फिर भी नहीं लग रहा था, आप देख सकते हो ये बार बार निकला आ रहा था एंड मैं कोशिश करे जा रही हूँ अपनी आईज़ को पूरी तरीके से ओपन करने की पर ये नहीं हो रहा है। सो इसी तरीके से मेरी कोशिश जारी रही है और इसका सही तरीका यह है कि आप अपनी आईज़ को नीचे के साइड से प्रेस करो, ठीक है, कुछ इस तरीके से एंड देन अप्लाई करने की कोशिश करो। सो एक दो बार में नहीं लगेगा, फिर वो अच्छी तरीके से वेयर हो जाएगा। सो इसका तरीका यह भी है कि आपको अपनी आई में से स्टिक करना है, आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा स्लिपरी है, मैं बार बार इसे कोशिश कर रही हूँ। सच बताऊँ अगर आप बिगनर हैं तो आपसे फर्स्ट टाइम में ये ऐसे ही होगा, मैं हूँ या कोई और भी हो, फर्स्ट टाइम में परफेक्टली नहीं लगता, या तो आप किसी और की हेल्प लो इसे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैंने अपनी आईज़ को फिर से नीचे से स्ट्रेच किया है एंड मैंने इसे बहुत बार वॉश नहीं किया सॉल्यूशन में, जो कि मैंने सबसे बड़ी गलती करी। सो अगर आप बहुत देर से ट्राई कर रहे हो इसे अप्लाई वेयर करने की तो आप सॉल्यूशन में से एक बार वॉश ज़रूर कर लीजिएगा दोबारा से, तभी ये अच्छी तरीके से वेयर होगा। आप देख सकते हो मैंने अपनी आईज़ को स्ट्रेच किया एंड ये लग गया। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको नीचे से स्ट्रेच करना है देन इसे वेयर करना है। लग गया, थोड़ी सी आईज वॉटरी हो रही है बट अच्छा लग रहा है यार, ये इजली लग गया है पहली बात तो, एंड उतना भी ज़्यादा इरिटेशन नहीं हो रहा है मुझे जितना कि सब बताते हैं कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है थोड़ी देर के लिए ये वो। थोड़ा सा ब्लरनेस लग रही है अभी, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाए, या ये हो सकता है कि मैं जो लेंस है ना वो काफ़ी टाइम से यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फिंगर का यूज़ हो गया है, लाइक वाओ लग गया। चलो दूसरा ट्राई करते हैं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है एंड मैं इसे भी ओपन करने वाली हूँ। अच्छा एक लग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि अरे वाह लेंस लग गया एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। थोड़ा सा ब्लर लग रहा है पर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा डिफरेंस देखो, फ्रेंड्स देख सकते हो कि कैसा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं दूसरा यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसे भी सेम टेक्निक से अप्लाई करूँगी, बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा बट एक बार जैसे ही वो लग गया ना वैसे ही वो अच्छे से लगा मुझे। सो मैं इसे भी उसी तरीके से अप्लाई करूँगी। अच्छा ये ना मुड़ना नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया
ये इधर इधर से मुड़ना नहीं चाहिए, अगर ये मुड़ जाएगा ना तो ये सही से लगेगा नहीं, ठीक है। सो आपको ये इस तरीके से रखना है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए लगाने से पहले। और आप इसे ड्राई रखो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लोगे ना आप इसमें तो ये स्लिप करने लगेगा, मैंने ऐसा नोटिस किया है। ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ, इसमें तो ज्यादा वॉटरी भी नहीं हुई आई और एक बार में लग गया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मेरी टेक्निक सही थी। हाँ, आपको भी बता दा कि टेक्निक कैसी लगी मेरी, बहुत ही इजी। मैं फिर से बता देती हूँ एक बार आपको, आपने वैसे वीडियो देख लिया है। आपको लेंस लेना है, ठीक है, आपको इस वाली फिंगर पे या इस वाली फिंगर पे या इस वाली फिंगर पे, ये तीन फिंगर में आपको जो सी भी ज्यादा सही लगती है कि जैसे आपको अपनी आईज पे बन रहा हो लगाते समय, आप वो वाली फिंगर यूज करो, ठीक है। आपको ऐसे रखना है, बहुत ज्यादा वाटर नहीं होना चाहिए आपके लेंस में। आपको नीचे से अपनी आईज को स्ट्रेच करना है, यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करना है किसी भी तरीके से अपने लेंस को, एंड जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे ना वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टिक हो जाएगा। जैसे ही वो स्टिक होगा आपको ऐसे करना है, अपनी आईज को क्लोज करना है, थोड़ा थोड़ा राउंड करना है एंड वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था, और आपने देखा ना ये वाली आईज तो बहुत ज्यादा वॉटरी हो गई थी, बट ये वाली आई में ना तो कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी ब्लरनेस है, हो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि जो मेरे लेंस है वो थोड़े से गंदे हो गए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये वाला ना स्ट्रगल कर रही थी। तो आई होप ये वाले जो लेंस का ब्लरनेस है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही लाइट सा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली। अच्छा, आप मुझे बताओ ना कि मेरे ऊपर ये लेंसेज कैसे लग रहे हैं, मुझे वीडियो में के कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ये कलर कैसा लग रहा है। मैंने कोई भी मेकअप वेयर नहीं किया है, तो चलो मैं जल्दी से मेकअप करके आती हूँ एंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। एक्साइटेड। सो ये हो गया मेरा मेकअप डन, एंड सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेंसेज मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट लुक है, एंड डिफरेंट लुक किसे पसंद नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हो सकता है किसी कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि फेस थोड़ा चेंज हो जाता, थोड़ा नहीं मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चेंज लगने लगता है। आपके आई जो लेंसेज का कलर होता है ना वो जब टोटली चेंज हो जाता है। सो ये था मेरा आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टिल देन टेक केयर।